नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर सोनभद्र से है, जहां स्थानीय डालानगर में शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन मंगलवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। सुबह से ही मंदिर व पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। माता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर एवं पंडाल गूंज उठा है। लोगों ने पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की आराधना की। माना जाता है कि माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही उसे ज्ञान, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य इत्यादि सभी सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होती है। कई लोग नवरात्र पर्व की नवमी तिथि को कन्या पूजन कर 9 दिनों से चल रहे व्रत का पारण करते हैं। वहीं डाला बाजार रामलीला मैदान के समीप जय माँ दुर्गा पूजा सेवा समिति के तत्वाधान में शारदीय नवरात्र के 9वें दिन डाला वैष्णो मंदिर में भोर में पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यह मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठा, जिसके उपरांत अग्रवाल धर्मार्थ समिति के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में अर्जी लगाते हुए भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं अध्यक्ष मुकेश गर्ग, सचिव राजेंद्र गर्ग, कोषाध्यक्ष विकास बंसल, दिनेश गर्ग, राकेश गर्ग, कृष्ण गर्ग, महावीर गोयल, अनिल जिंदल, निखिल गर्ग, सुनील गर्ग सहित समिति के सदस्य शामिल रहे। वहीं सुरक्षा को लेकर चौपन थाना अध्यक्ष लक्ष्मण पर्वत एवं डाला चौकी इंचार्ज सुरेश चंद द्वेदी अपने सभी स्टाफ सहित महिला आरक्षी के साथ मौजूद रहे। ये माता रानी का